উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলক জীৱিকাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে চি আৰ পি এফৰ 171 নং বেটেলিয়নে ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰে পহল নামৰ কৰ্মশালাৰ সভাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া, 171 নং বেটেলিয়নৰ চি অ' পি কে সিং, দ্বিতীয় কমাণ্ডিং অধিকাৰী কোঁৱৰ সিং উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৰিয়াৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত চি আৰ পি এফৰ চাকৰি কিদৰে পাব পাৰি আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱাৰ উপায়সমূহ উল্লেখ কৰে। উত্তৰ পূবৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সামৰিক বাহিনীৰ চাকৰিত যথেষ্ট সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে, কিন্তু উদ্বেগৰ বিষয় যে সামৰিক বাহিনীৰ যিকোনো চাকৰিৰ বাবে উক্ত সুবিধাসমূহ গ্ৰহণৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি নাহে। এনে নিচাবোৰ আঁতৰোৱাৰ বাবে চি আৰ পি এফে এনেধৰণৰ সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা বুলি মত পোষণ কৰে চি আৰ পি এফৰ 171 নং বেটেলিয়নৰ দ্বিতীয় কমাণ্ডিং অধিকাৰীগৰাকীয়ে। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये इस साल से हम लोगों ने सी आर पी एफ में शुरू किया है कि यहाँ पर ख़ासतौर से आसाम के अंदर हमने देखा है कि जो युवा हैं यहाँ के वो उस अनुपात में फोर्सेज में नहीं हैं जिस अनुपात में अदर या अन्य प्रदेशों से हैं। तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है लोगों से बात करने पर कि शायद उनके बीच में उतनी जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है। तो हम तमाम कॉलेजेस के साथ मिलकर ये एक नई पहल शुरू की है जिसको हमने नाम भी पहल दिया है सीआरपीएफ की तरफ से कि हम सारे कॉलेजों में जो भी एलिजिबल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फोर्स को अलग अलग रैंक्स में ज्वाइन कर सकते हैं उसके साथ साथ हमने अपने वहां पर भी एक सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा है जहां पर लोग कभी भी हमारे यहाँ आकर उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। पर इसमें ख़ासतौर से कॉलेजेस में जाने का प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी फोर्स के बारे में बताएँ कि सीआरपीएफ क्या है, कैसे काम करती है, वो क्या मैंडेट है उसका, लोगों से किस तरीके से उसको जुड़ाव की ज़रूरत है या लोगों को उससे किस तरीके से जुड़ाव या जानकारी की ज़रूरत है। पहले हम सीआरपीएफ के बारे में विस्तृत रूप से सभी को बताएं और उसके बाद सीआरपीएफ में अलग अलग लेवल पर विभिन्न स्तरों पर सीआरपीएफ में रिक्रूटमेंट होता है। कॉन्स्टेबल रैंक में होता है, हवलदार रैंक में होता है, सब इंस्पेक्टर एएसआई रैंक में होता है, फिर ऑफिसर्स में असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पर होता है। तो ये सारी जानकारियाँ जब स्टूडेंट्स को होंगी और जो ये समय जो होता है स्टूडेंट्स का जब वो पढ़ रहे होते हैं यही समय होता है जब उनको जानकारी की आवश्यकता होती है और जब वो तैयारियाँ भी कर रहे होते हैं अपने भविष्य के लिए कैरियर चुनने के लिए तो हम उसमें उनको मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें कि उनको किस तरीके से फोर्सेज में अपना कैरियर बनाने में मदद मिल सकती है। यही हमारा प्रयास है इसमें।